हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक ऐसी समस्या जिसका सामना शायद टैली में आप भी करते हो, तो ये समस्या क्या है आइए इसको देखते हैं एक बार। समस्या ये है कि यहाँ पर एक कंपनी पहले से बनी हुई है, ठीक है। अब ये कंपनी क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये बाहर आ गए हम, तो यहाँ ये कंपनी बनी हुई है और आप सीधा क्या करते हैं ना, एंट्री पास करने के लिए चले जाते हैं। जैसे 2023 फरवरी में जाना है तो आप क्या करते हैं, आप सीधा यहाँ F2 करते हैं और यहाँ डेट चेंज करते हैं। लाइक यहाँ पे कर दिया 1/2 या फिर 1/3/2022 मार्च में आ गए, ठीक है। और यहाँ पर डेट नहीं चेंज हो रहा है, एक तो प्रॉब्लम ये हो गई। अब यहाँ से आप क्या करते हैं, सीधा सीधा F2 करते बी बटन प्रेस करके आ जाते हैं वाउचर में, और परचेज वाउचर में जो आपको वाउचर मिला हुआ है, जो स्लिप मिली हुई है, उसकी एंट्री आप सीधा पास करना चाहते हैं। यहाँ पे आप जो भी सप्लायर का नंबर दिया होता है वो डाल देते हैं और यहाँ पर डेट आ जाती है 1 अप्रैल 2023। तो आप चाहते हैं कि इसको चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे कर लिया जाए 1/3/2023। तो चलिए ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर डेट नहीं चेंज हो रही है। देख लीजिए यहाँ पर डेट नहीं चेंज हो रही है, तो क्या 1/4/2023 करने पे हो जाएगी डेट, सही हो जाएगा? एक बार उसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ 1/4 जैसे ही किया तो ये डेट एक्सेप्ट कर गया, लेकिन 1/3 करने पे ये डेट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ से है? प्रॉब्लम यहां से है कि आप अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए और यहाँ जो 2023-24 है उसको 2022-23 बनाइए। जैसे यहाँ पर 1/4/2022 करिएगा और यहाँ पर 31/3/2023 हो जाएगा। बस यहीं पर आपको दिक्कत आ रही है, बाकी तो सब सही है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/3/2022 कर 23 करते हैं, 23 था ना, 23 हो गया। तो देखिए यहाँ पर डेट चेंज हो जाता है बहुत आसानी के साथ। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही हो तो इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कोई परेशानी दिक्कत हो तो तमाम वीडियोज मैंने बनाए हैं और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए, तो कमेंट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके।